ये देखो छोटी सी बिल्ली बैठी है कॉटेज के बाहर, छोटी सी प्यारी सी, बड़ी क्यूट लग रही है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम चेकआउट कर रहे हैं सैलेड बीच रिजॉर्ट से। जस्ट इग्नोर माय हेयर, बहुत ऑयली हो रखे हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि जितना मर्जी वॉश कर लो बालों को वो फिर से वैसे ही हो जाते हैं। तो लकीली आज बारिश नहीं हो रही, धूप निकली हुई है, तो हम पियर पे सेफ पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे दो तीन चीज़ें आप लोगों को बतानी है। देखिए, अगर आप पियर पे जाके बोट लेते हो तो उसके स्टैंडर्ड रेट्स हैं जो होटल वाले अरेंज करके दे रहे हैं हमें, यहाँ पे 350 लगते हैं कोफांगान से कोसमुई जाने के लिए बोट पे। ठीक है, बोट मतलब एक बड़ा वाला बोट, मैं आपको दिखा दूंगी, कैटामरान बोलते हैं उसको। उस पे जाने के लिए आपको 350 रुपीज़ लगते हैं। मेरा जो हाई लाइफ बंगलो है, जो रिजॉर्ट है, उन्होंने टिकट करा के दी है। शेयर्ड जो कैब है वो पड़ रही है मुझे रिजॉर्ट से पियर तक 200 बात पर पर्सन पे मिलती है। अगर आपने प्राइवेट करानी है तो वो आपको 800 बात पे मिल जाएगी। ठीक है, अब जो शेयर्ड वाली है वो इन्होंने बोला कहीं रुकेगी नहीं क्योंकि इनके रिजॉर्ट की ही है, तो वो सीधा पियर पे जाएगी। पर पियर पे जाके मैंने पहले आपको बताया था लाइन में खड़ा होना पड़ेगा टिकट दिखा के। वो आपको एक बैंडेज टाइप देंगे जो कलर्ड बैंडेज होगा जिससे आप आइडेंटिफाई हो सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया 200 यहाँ से पियर तक, 350 आगे बोट का। और इन्होंने बोला कि आप अगर 150 और देते हो पर पर्सन तो आपका वहाँ से ट्रांसपोर्ट का भी हम अरेंजमेंट कर देंगे। तो अब ये देखना है कि वो जो 150 दिए हैं वो कैसे चलते हैं। प्लस ये रूम देख के जो सैलेड बीच रिजॉर्ट वाले हैं वो 500 रुपये वापस देंगे बात, सॉरी, जो इन्होंने लिए थे सिक्योरिटी डिपॉजिट की, कुछ तोड़ा तो नहीं है, सब कुछ सही जगह पर है या नहीं। और जो एक्टिवा वाला है वो भी आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर, वो भी अपना एक्टिवा ले जाएगा। यहाँ पे ये सर्विस है कि जहाँ पर आप जाते हो मूव करते हो वहाँ वो एक्टिवा वाले जो हैं वो पिक एंड ड्रॉप कर लेते हैं एक्टिवा को, तो वो पासपोर्ट रखते हैं अपने पास। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ से जाऊँगी पियर तो आपको ज़रूर साथ में कुछ और टिप्स होंगे तो बताऊंगी। अभी तक के लिए यही है, ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, ब्रेड और चीज़ के स्लाइस ही पैक करके लेके जाऊंगी ताकि खाया जा सके। फिर से मिलती हूँ, बाय बाय। बहुत सुंदर बीच है। देखिए इस आइलैंड से जहाँ पे मैं अभी हूँ कोफांगान में, वहाँ से जा रही है वो सामने कैटामरान, जिसमें मैंने भी जाना है अभी थोड़ी देर के अंदर, अभी आपको दिखाई देगी। और ये जा कहाँ रही है आपको, वो कॉर्नर पे एक और आइलैंड दिखाई दे रही है पीछे की तरफ को, ये आगे वाला नहीं, उसके पीछे की तरफ को वहाँ जाना है। वैसे जर्नी तय हो यहाँ से वो पीछे जो आइलैंड है वहाँ से आपको दिखाई दे। गाइस, मन तो बिल्कुल नहीं है पर बाय बाय बोलना पड़ रहा है। वो देखो पीछे की तरफ को बीच और कमरा आ जाता है। ये पूल है और इस साइड भी हट्स हैं, और ये जो दो रास्ते हैं ये रिसेप्शन की तरफ को जा रहे हैं जहाँ पर मैं अभी आपको लेकर जा रही हूँ। सो आप देख सकते हैं व्यू अच्छा है ये होटल। और यहाँ पर जो नाम होते हैं मिमी या कुकू करके, यहाँ पर एक ब्रिज सा भी है आप देख सकते हैं।
और अब मैं आपको रिसेप्शन दिखाती हूँ। यहाँ से है रिसेप्शन, ये सीढ़ियाँ भी जाती हैं रिसेप्शन को। और बाय बाय। और ये वाली सीढ़ियाँ भी जाती हैं रिसेप्शन को, इधर ऐसे। तो गाइस ये है टैक्सी, अब इसको लेके हम जाएंगे पियर पे। गाइस कार तो हमने शेयर्ड में बुक की थी, लेकिन एक लेडी ड्राइवर आई है और वो लेके जा रही हैं हमें, और ऐसे लग रहा है कि ये प्राइवेट ही है यार। और बिल्कुल अच्छा मौसम हुआ हुआ है, नहीं अब शायद इन्होंने हॉल्ट लिया है किसी को चढ़ाने के लिए, लेकिन अभी तक तो ये बिल्कुल प्राइवेट जैसा ही लग रहा था। अलग अलग लाइनें लगी हुई हैं अलग अलग टिकट्स के लिए कैटामरान की, कि किसने कौन सी जगह जाना है। ये देखो आप देख सकते हैं ऐसे करके है, और ये बाहर का सेक्शन। गाइस ऐसा सा व्यू है, आप यहाँ से सीधा निकल जाएंगे तो कोफानगान की मार्केट आ जाएगी, वहाँ भी टैक्सी मिल सकती है। उस साइड आएगी कैटामरान, वहाँ पे बीच है और ऐसी टैक्सी चलती हैं यहाँ पर, बड़ी वाली खुली वाली भी चलती हैं। वहाँ से जाके हम बोर्ड करेंगे, वो देखो वहाँ लगी हुई हैं। यहाँ ये कैफेटेरिया इनका ऐसे, और वो देखो वहाँ पे खड़ी हुई है टैक्सी। सो बेसिकली होता क्या है कि जब आप वहाँ से आते हो पियर से, तो वो आपको यहीं पे रोक लेते हैं, वहाँ पे टैक्सी पे चढ़ा देते हैं उस एरिया में। लेकिन अगर आप ये एरिया क्रॉस करके ये सारा का सारा वो सामने जाओ, तो आपको लोकल मार्केट मिलेगी वहाँ। हो सकता है आपको टैक्सी रीजनेबल रेट पे मिल जाए, क्योंकि बिल्कुल सामने ही है, वो शुरू हो रही है मार्केट। तो ये ऐसे करके एरिया है, ये देखो यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें। गाइस कैटामरान लेने से पहले आपको बैग के ऊपर डालने के लिए ऐसे स्टिकर्स मिलेंगे, और ख़ुद के लिए ऐसे, और एक टैक्सी टिकट देंगे जो आपने पहले से ही प्री बुक की हुई है। तो मेरे पीछे है कैटामरान, वहाँ जाएंगे और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने बैग के ऊपर किस तरीके से लगाया है इसको। ये देखो अब पीछे जाना है कैटामरान लेने, फिर आपको मिलता है। Oh.
गाइस पियर से उतर के फटाफट ऐसी सी कैब ले ली है। ये शेयर टैक्सी है, बिल्कुल ऐसी सी दिखाई देती है पीछे से। और जब तक ये भरेंगी नहीं तब तक वो निकलेंगे नहीं। गाइस मैं वापस उस मुई आ गई हूँ और ये आप देख सकते हैं कि अब मैं होटल की तरफ को जा रही हूँ अपने, और उसका नाम समुई पैराडाइज है। वो समुई में तो जाके आपको दिखाती हूँ कि कैसा सा है वो। रिसेप्शन एरिया, गाइस मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने छोटी छोटी चीजें कितनी रखी हुई हैं। ये देखो वो कंप्यूटर, जो एंट्रेंस है ना यहाँ पर, यहाँ भी इन्होंने अपने भगवान रखे हैं। गैस मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। और ये तो ये एंटर करते ही ऐसा है, यहाँ स्टेयर्स हैं। इस साइड रिसेप्शन एरिया, आगे भी डेकोरेशन के लिए यहाँ अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने, फ्रेग्रेंस के लिए भी। और ऐसे करके यहाँ पर अलग अलग कॉटेजेस आते हैं, ये देखो। और आगे जाकर आई गेस बीच आ जाता है। वाह, इनके पास पूल भी है यहाँ पर, और उसके आसपास भी कॉटेजेस हैं। यहाँ पूल है और बहुत सुंदर डाइनिंग एरिया है इनका। और बीच है, वाओ ये देखना, ये डाइनिंग एरिया है, साइड पे बीच। यहाँ बिल्लियाँ बहुत होती हैं। इनका रास्ता यहाँ से जाता है बीच को, ये बीच है, वो पूल है। वाह बहुत साफ पूल है इनका। हेलो गाइस, ये देखो छोटी सी बिल्ली बैठी है कॉटेज के बाहर, छोटी सी प्यारी सी, बड़ी क्यूट लग रही है। ये है कॉटेज, पहले फीट क्लीन करने के लिए पानी, और ये ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर, और ये बेड है,
यहाँ लगेज रखा है, इधर टीवी है, ये सब खाली करवाना है क्योंकि इसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। यहाँ पर खुलता है, हाँ ये खुलता है इस साइड से, और यहाँ पर बाथरूम है और बाकी सब सामान है, बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पे टाल्स हैं, ये टाल्स हैं, और वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है इनका, ये देखो। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं समुई पैराडाइज पहुंच गई हूँ और यहाँ पर बहुत प्यारी सी एक बिल्ली है, छोटी सी। अब नहा धो के फ्रेश हो के बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी है यहाँ पे पुराने आइलैंड से अगर कंपेयर किया जाए, वहाँ तो बारिश शुरू हो गई थी जैसे ही हम निकले, तो अब जाकर बीच पे थोड़ा चिल करते हैं। अच्छा लग रहा है, फ्रेश होके एकदम तैयार श्यार होके अब बीच पे जाएंगे और आसपास ही कोई खाने की जगह ढूंढेंगे, बिकॉज सुबह से सिर्फ चीज़ और ब्रेड ही खाया है। सो मैं आपको ये किटन दिखाती हूँ, कितना प्यारा है। तो ओह, वहाँ पे उसकी मम्मी है पीछे। ओके, तो यहाँ से निकलकर, रूम से निकलकर भी बीच का रास्ता आता है आई गेस। एक तो मैंने यहाँ से दिखाया था आपको उस साइड पूल है, और एक ये रास्ता भी जा रहा है। ये व्यू है, वो आ गया होटल, गाइस। मैं खाना खाने यहाँ पर आई हूँ, इसका नाम फिनसरी है। अंदर भी है फाइन डाइन। अभी डिस्कवर किया कि फैंसरी में अंदर शॉपिंग भी है करने के लिए सामान। यहाँ पर आपको कोकोनट वाटर भी मिल जाएगा और कॉफीज भी मिल जाएंगी। अंदर से ये ऐसा दिखता है, और बेकरी आइटम्स भी हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इनकी बेकरी आइटम्स। गाइज, ये ऑर्डर किया चॉकलेट केक विद चॉकलेट सिरप, बहुत टेस्टी लग रहा था और भूख भी लग रही थी। आगे फ्राइड राइस और मासा मान करी, अब मैं खा के फिर आपको मिलती हूँ। ये केक तो बहुत टेस्टी है। हाय गाइस, गुड इवनिंग। बहुत ओवर प्राइस था वो खाने वाली जगह, बिल काफ़ी अच्छा आया है। उसके बाद हमने मैंगो राइस भी ऑर्डर किए थे और होटल आके मैं सो गई थी, सर दर्द हो रहा था। तो अब मैं उठी हूँ, मैंने टॉवल्स मंगाए हैं क्योंकि यूज़ हो गए थे। तो उन्होंने बड़ा प्यारा, ये देखो यहाँ पर लिखा है गुड नाइट वाला भेजा है। और शाम को जो सामने बिल्ली थी वो भी नहीं है यहाँ पर, और व्यू बहुत अच्छा हो गया ओशन का। ये है बीच का व्यू। प्राइवेट रूम्स भी आपको मिल जाएंगे। आई प्रोबेबली फील कि यहाँ पर पूल होगा फिर कमरा होगा, तो ऐसा व्यू है उसका, बीच दिखाई देगा यहाँ से।
है ये मुझे रात को लगता है कि ये लोग रात को भी हटा देते हैं बीच पे ना इसे जगह जगह पे ये देखो खेत ये देखो यहाँ पर किसी को भी पता है ये कौन से फिश के लिए है तो प्लीज मुझे बताना। जगह जगह पर है ये मैंने बीच पे पहली बार देखा है। ये देखो सामान बेच रहे हैं यहाँ पर अलग अलग चीजें खाने की। सुंदर सा रिजॉर्ट भी है अगर आपने रहना है यहाँ पर। मैं नाम दिखा देती हूँ और इसी बीच पे स्पीड बोट है जो आपको मिल जाएगी। रेट्स लगाए हुए इन्होंने नहीं या नहीं लिखे बट ये होटल है 200 बात है 2000 सॉरी। चलते चलते ना ये अलग अलग रिजॉर्ट आ रहे हैं उसमुई में तो आप देख सकते हैं। नाम नहीं अभी मुझे यहाँ पता बट हमारे बीच के पास ही है। ये बीच के पास जो रिजॉर्ट है ये बहुत बड़ा है ये देखो और उतना ही महंगा होगा। और ये यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं बीच के पास ही। अगर किसी ने छली खानी है तो के लिए भी ज्वेलरी के लिए भी आइसक्रीम के लिए भी ऐसे घूमते हैं। ये देखो यहाँ पे किसी का प्राइवेट डिनर चल रहा है और हम रिजॉर्ट के ही रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। डिनर करने मैं कोह समुई यहाँ पर आ गई हूँ रिजॉर्ट के पास ही। समोवर नाम है इसका और ये रशियन स्पेशलिटी रखता है तो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि यहाँ का खाना कैसा है। जहाँ मैं लास्ट टाइम दोपहर को गई थी वो वहाँ पर ही है सामने और उसके बिल्कुल साथ में ही है ये। अंदर से ऐसा है सिटिंग एरिया। ये देखो ये सिटिंग एरिया है इनका। गाइज ये देखो समोवर पे टेबल के बिल्कुल साथ ये भालू पड़ा हुआ है। ऐसे लग रहा है रियल भालू है बिल्कुल रियल भालू। ये ऑर्डर किए हैं इनके डम्पलिंग्स जो बहुत टेस्टी लग रहे हैं और साथ में मंगवाई है चिली सॉस। लास्ट डिश ऑर्डर की है डीप फ्राइड पोटैटो के साथ राइस। अब मैं आपको कल मिलती हूँ। बाय बाय।